अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप सबके लिए एक मेकअप लेकर आई हूँ जिस मेकअप का नाम है हॉलो आइज़। और इसमें इस मेकअप में ये होगा कि हम जो क्रिएट करेंगे हॉलो आइज़ में हम दो शेड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो दरमियान में हम लोग यानी कि एक थोड़ा सा मेहंदी सा कलर होगा, एक थोड़ा सा पिंकिश सा कलर होगा। कि अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि होलो आइज़ में सिर्फ एक गोल्डन कलर ही चल सकता है, ऐसा नहीं है। हम होलो आइज़ को जो है वो अपने तरीके से भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, होलो आइज़ जो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल लाइट से कलर लेंगे ब्राउन शेड में और उसको हल्के से हाथों में हम ब्लेंड करेंगे। हल्का हल्का सा राउंड में ब्रश जो है वो घुमाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम क्रीज एरिया पे लेके जाएंगे। सेम कलर हम आईज के इनर कॉर्नर पे भी लगाएंगे और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करते करते हम ब्रश को आहिस्ता आहिस्ता क्रीज एरिया की साइड पर लेके जाएंगे। ब्लेंड करते करते हम थोड़ा सा क्रीज एरिया वाली साइड पे जाएंगे, अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे कि कलर हमारे जो है वो रखे हुए नजर ना आए, कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो ये ब्रश है ये राउंडर ब्रश है और तकरीबन फ्लफी जो हेयर्स होते हैं ये वो है। नेक्स्ट हम डार्क कलर लेंगे। पहले हमने लाइट ब्राउन कलर लिया था, अब थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे ब्राउन। हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। तो हम इनर कॉर्नर पे भी वही कलर डार्क वाला ब्राउन जो कलर है हमारा, उसको भी हल्के हाथों से हम इनर कॉर्नर के ऊपर भी ब्लेंड करेंगे। बस ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग में अगर खूबसूरती है तो आपका मेकअप भी खूबसूरत। नेक्स्ट हम पर्पल पिंक कलर लेंगे। नेक्स्ट हम ग्रीन कलर लेंगे। ये ग्रीन कलर वो है जो जैसे मेहंदी के सूखे हुए पत्ते होते हैं, ये वो वाला कलर है। अगर मैं आपको इसका नाम बताऊंगी उस तरह से समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि कलर कैमरे में भी बाद में कुछ उस तरह से नज़र नहीं आ रहे होते हैं जिस तरह से हमने हो रहा होता है कि जी अगर रियलिटी में हमें कलर इस तरह के नज़र आते हैं तो आपको भी वैसे ही कलर नजर आए। तो ये कलर जो है मैंने ये पिंक के साथ साथ मैंने रख के एक दूसरे के अंदर ब्लेंड कर दिया है। दोबारा से हम ये जो है पर्पल पिंक कलर जो है ये हम लेंगे। ये मेटालिक में मैंने ये कलर लिया है, मेरे ख्याल से कैमरे में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट मेटालिक शेड लेंगे, थोड़ा सा शिमरी भी है थोड़ा सा मेटालिक में, ये शाइन भी ज्यादा है इसमें। ये जो शेड है वो हम लोग पिंक कलर लगाया है हम लोगों ने पर्पल पिंक कलर, उसके अंदर हम इसको इसकी एडिशन कर देंगे। मेरे ख्याल से कलर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि लाइट कलर है, दो कलर है, ये मेरा मेहंदी कलर है और ये मेरा जो है पर्पल पिंक कलर है। तो मेरे ख्याल से आपको कलर नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़ा सा लाइट शेड है ना, इसलिए आपको मेरे ख्याल से उस तरह से मैंशन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए।
नहीं जी, हमने ब्लेंडिंग की है। मेरे ख्याल से कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे जो आउटर कॉर्नर है, मैंने होलो आइज की जो लुक दी है उसके साथ मैंने ये पर्पल पिंक कलर दिया है, साथ में मैंने ये ग्रीनिश जो है वो कलर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे ख्याल से कैमरे में मुझे, ये देखिए ये जो है कलर मैंने दिया है, लेकिन लाइट शेड है वो, इसलिए वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। वैसे रियलिटी में वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है जी। अब नेक्स्ट हम ब्राउन कलर जो है दोबारा से हम रिपीट करेंगे। तो है ये मेटालिक शेड देंगे, आईब्रो के नीचे हम कलर को ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट हम ग्लिटर लेंगे और ग्लिटर को लेके हम जो कलर हमने मेहंदी लगाया था थोड़ा सा ग्रीनिश में था वो हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। नेक्स्ट हम लाइनर जो है वो लगाएंगे। लाइनर लगाएंगे और लाइनर जो है वो हम पिंक वाला नहीं लगाएंगे, वो हम इस लाइनर को ब्लेंड करेंगे। तो ये आज की मैंने जो है मल्टी शेडो के साथ में होलो आइज बनाई है, तो उस तरह से कलर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग और बहुत अच्छे कलर से नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि कुछ अच्छे से कलर जो है वो आपको नज़र आए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की टेक्निक जो है नए मेकअप की पसंद आई होगी। कुछ कैमरे ऐसे होते हैं कि बस रिजल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आपको करीब तरीन दिखाने की कि आपको कलर्स नज़र आए। तो लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा अच्छा लगा। मैंने मेहनत की है आपको एक नई आइज जो है, नई लुक जो है वो मैंने आपको क्रिएट करके बताई है कि किस तरह से हम फोटो आइज को हैंडल कर सकते हैं दो शेडो के साथ भी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करें, शेयर भी करें। मज़ीद जो बच्चियाँ और जो लेडीज़ जो घर में बैठ के सीखना चाहती हैं वो ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, घर में प्रैक्टिस करें और माशाल्लाह सीखें, क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि आपको काम अच्छा भी लगेगा और पसंद भी आया होगा। बाकी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक रोज एक नई वीडियो जो है वो मैं लेकर आती हूँ और नई टेक्निक के साथ, नए मेकअप के साथ और नए कलर्स के साथ।